मैं कह देंगा, लेकिन हाँ लेकिन एफआईआर दे मेरा वो लिखा लुखा कोई नहीं है मेरा मोबाइल, बस वो सैमसंग का ही मोबाइल लिखा है, तो भी थोड़े बहुत जो पैसे ने। 1,50,000 रुपए का लिया है। ठीक है, एप्पल आईडी वगैरह भी अच्छी बनानी सी। नहीं तो इन्ना तो इन्ना गल करनी नहीं, कहना मैडम ने लिया उन्हें पता होए। हाँ उन्हों का तेरे फोन सी वो शूट करते सन, बस इंज गल करनी मैड। हाँ जी कहना बस मैडम ने लिया सी, 1.5 पौने 2 लाख का सी, तो उन्होंने लिया, उन्होंने पता है वो चलाते सन, तो असी शूट बस करते सन। चल मैं कह देंगे मेरा कोई नहीं है। ते और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान हाफिज अबूबकर और आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे इंसान चैनल। आज हम बात करेंगे ऐश अकरम के हवाले से, जो कि रेनबो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है और जो ऐश अकरम ने उस पर इल्जाम लगा दिया। ये कुछ रिकॉर्डिंग है, आपने सुन लिया, और जो और है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इस नाजरीन, ये जो रेनबो है सब इसका कसूर है। ये कह रही है ऐश अकरम साहबा कि मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरी वीडियोस बना के, जो वीडियोस वायरल हुई उनकी पूरी दुनिया ने देखा। वो ये कह रही है उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे को बात करते हुए कहा कि जो भी मेरे साथ हुआ वहां पर मेरी कोई मर्जी नहीं थी। पहले उन्होंने जो बंदे गिरफ्तार करवाए थे वो 400 के ऊपर पर्चा दिया था, 100 के ऊपर जो है बंदे गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक बाबा भी था जो बुजुर्ग था। उसके बाद वो पीछे उनकी यही हो गई, और उसके बाद पुलिस ने इनको बुलाया निशानदेही करने के लिए। ये जब गई तो इन्होंने 2-3 बंदे ऐसे चुने हैं जो पहले से कैद थे, तो ये यहां पर कुछ असर पड़ा है। और दूसरी बात, जो रेमू का जो बयान है वो मैं आपको तरह सुनाता से हूं। मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ, और आज मैं खुद जो है ना उसी वाकया के अंदर नामजद किया गया हूँ, तो ऐसा बिना मेरी गलती है और ना ही ऐशा अकरम की गलती है। लेकिन मीनारे पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ, लेकिन उस वो जो है ना उसकी बाइक की डेथ हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर जी, जो रेमू कह रहा है वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने कहा कि एक रिकॉर्डिंग है वो भी आपने सुन लिया है, मजीद मैं आपको सुनाता हूं कि हर बंदे से मैं 5-5 लाख रुपए लूंगी। रेमू ने कहा, मैंने उसे कहा कि आप पैसे के पीछे ना भागें, आप अपने केस को जो कंटिन्यू रखें उस पर फोकस करें। और रेमू ने कहा इसलिए मुझे इन्होंने अंदर करा दिया। अब जो ऐसी वीडियो सामने आ गई हैं कि इकरार हुसैन साहब अब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, उन्होंने एक गलती की है। इकरार हुसैन साहब जो है पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, बट जो ऐसा काम किया पूरी दुनिया का दिल जो है दिला देने वाली बात की उन्होंने, और पूरी कौम का दिल दुखाया उन्होंने। वो रो रहा है कि मैं मुझसे गलती हो गई है। और अब यासर शामी साहब जो है वो अभी तक तस्त मस्त हैं, उनको कोई असर नहीं हुआ। और अब जो ऐशा अकरम साहब है ये नया प्रोपगंडा बनाकर पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है। मेरे ख्याल में जो ऐशा अकरम साहब है उसको गिरफ्तार करके उसको भी रेमबो के साथ बंद कर देना चाहिए और तफ्तीश करनी चाहिए। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि रेमबो को और ऐशा की तफ्तीश की जाए और सारा मसला यही सॉल्व हो जाएगा। वीडियोस रिकॉर्ड होने के बाद और ऐसे ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद अब कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी इनकी बात सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल। फिर मानिए ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।